दोस्तों बहुत लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि इंडियन एयरफोर्स के पास कोई बॉम्बर एयरक्राफ्ट नहीं है ना ही कोई प्रॉपर फाइटर बॉम्बर है इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो जेगोआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है उसे भी आने वाले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से रिटायर कर दिया जाएगा ऐसे में दोस्तों बड़ा सवाल ये है की क्या इंडिया को इस सिचुएशन में बॉम्बर नहीं तो कम ऐसी कम सुखोई थर्टी जैसे फाइटर बॉम्बरों को अपने बेड़े में शामिल करना चाहिए हालांकि दोस्तों अगर फिलहाल के संभावनाओं को देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है की भारत सुखोई थर्टी जैसे एयरक्राफ्टो को अपने बेड़े में शामिल करेगा तो क्या ऐसे में जो भारत के एग्जिस्टिंग एयरफोर्स के बेड़े के सुखोई थर्टी जैसे एयरक्राफ्ट है उसे एक एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक फाइटर बॉम्बर जैसे एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा की जागोर एयरक्राफ्टों के रिटायरमेंट के बाद स्ट्राइक रोल को अंजाम देने के लिए क्या सुखोई क्या 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 सुखो एयरक्राफ्टों को एक ऐसे एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जा सकेगा जो लगभग लगभग सुखोई थर्टी के जैसे रोल को निभा सकेगा तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों सुखोई थर्टी एम के आ एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के सबसे भारी वर्ग का इवें कहा जाए तो सबसे अधिक संख्या का मल्टीरोल एयरक्राफ्ट है इन एयरक्राफ्टों को हैवी पेलोड के लिए बनाया गया है और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में ब्रह्मो जैसे मिसाइलों को भी कैरी करने का क्षमता रखता है इंडियन एयरफोर्स में इन एयरक्राफ्टों को फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और इसके पीछे मेन कारण है इसके लंबे दूरी तक उड़ान भरने का क्षमता और साथ ही साथ हैवी पेलोड ले जाने का क्षमता हालांकि दोस्तों इन्हीं दो क्षमताओं के वजह से इन एयरक्राफ्टों को एक मल्टीरोल एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक ऐसे एयरक्राफ्ट के रूप में भी देखा जाता है जो दुश्मन के टेरिटरी के अंदर तक घुस के दुश्मन को भारी भर कम नुकसान पहुंचा सकता है और दोस्तों यही दोनों कैपेबिलिटी के वजह से इन एयरक्राफ्टों को एक मल्टीरोल एयरक्राफ्ट की जगह में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो एक फाइटर बॉम्बर के जैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है हालांकि दोस्तों फाइटर बॉम्बर के जैसे इस्तेमाल करने के लिए एयरक्राफ्टो में हथियारों के कैपेबिलिटी को भी बदलना पड़ेगा और इस तरीके का कैपेबिलिटी जनरेट करना पड़ेगा जिससे की जो एयरक्राफ्ट है ये बड़े मिसाइलों को और बॉम्ब को कैरी कर सके फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट है जो इस तरीके के कैपेबिलिटी से है खास करके इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के वो चालीस सुखो थर्टी एम एयरक्राफ्ट जो की ब्रह्मोस ए मिसाइलों को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया गया था दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो सुखो थर्टी एम है उनमें से और भी कुछ एयरक्राफ्टों को ऐसे ही कैपेबिलिटी से लैस करने का तैयारी किया जा रहा है मतलब ऑलरेडी चालीस एयरक्राफ्टों के अलावा और भी कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में जुड़ेगा जो ब्रह्मोस ए एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों को कैरी कर सकेगा यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए की ब्रह्मोस ए असल में ढाई टन का मतलब दो किलोग्राम वजन का एक ऐसा मिसाइल है जो फिलहाल साढ़े चार सौ ऐसी पांच सौ किलोमीटर के रेंज तक टारगेट को निशाना बना सकता है और इस मिसाइल के भारी भरकम होने का कारण ही ये मिसाइल सभी एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी नहीं किया जा सकता जबकि दोस्तों अब बताया ये भी जा रहा है की ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइलों के वर्जन को और ताकतवर बनाया जा रहा है और उसके रेंज को पांच किलोमीटर ऐसी बढ़ा के करीबन डेढ़ किलोमीटर तक करने का तैयारी किया जा रहा है मतलब दोस्तों इससे सुखो थर्टी एम के आई एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी तो बढ़ेगा ही साथ में इन एयरक्राफ्टों के जो स्ट्राइक रेंज है उसे भी और बढ़ाया जा सकेगा फिलहाल अगर देखा जाए तो ब्रह्मोस मिसाइलों की वजह से ऐसी 30 एम एक तरीके से गेम चेंजर बन चुका है दोस्तों सुखोई 30 एम के एयरक्राफ्ट और ब्रम्बोस मिसाइलों के कॉम्बिनेशन के अगर स्ट्राइक रेंज को देखा जाए तो साल 2020 में एक टेस्ट के दरमियान ये साबित किया गया था कि किस तरीके से ये जो मिसाइल है इससे लैस ब्रम्होस मिसाइल चार किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है रिपोर्ट के मुताबिक उस दरमियान एक ऐसा टेस्ट को अंजाम दिया गया था जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद करीबन चार किलोमीटर दूर में टारगेट को हिट किया था जो टारगेट समुद्र के अंदर था अब दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि ब्रह्मोस मिसाइलों के साथ सुखोई 30 एम के स्ट्राइक रेंज कितना अधिक है और क्यों जैसे काम कर सकेगा। कि दोस्तों, 30 जो को 30 कर सकता है। पर ये लिमिटेशन भी आने वाले समय में संपूर्ण रूप से दूर होने जा रहा है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइलों के एक हल्के वजन के वेरिएंट को भी निर्माण किया जा रहा है जो कि करंट ब्रह्मोस मिसाइलों के मुकाबले में करीबन आधा वजन का होगा मतलब करीबन 1.3 टन के आसपास होगा तोर्टी एम के मिसाइलों को कैरी कर सकेगा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए एयरक्राफ्ट के अकेला का ही रेंज करीब साढ़े किलोमीटर है जबकि इसके साथ ब्रह्मो मिसाइलों के रेंज को जोड़ने पर चार हजार किलोमीटर के दूर तक टारगेट को निशाना बना सकता है पर एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों को जोड़ने पर यह रेंज बढ़ के करीबन पांच हजार किलोमीटर हो जाएगा तो वहीं पे एयर लॉन्च ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि इसका रेंज 290 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के आसपास होगा मतलब इन मिसाइलों के साथ सुखोई थर्टी एम के आई एयरक्राफ्ट करीब करीब तीन हजार सात सौ से लेकर तीन हजार आठ सौ किलोमीटर के दूर तक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम होगा दोस्तों साढ़े तीन हजार किलोमीटर रेंज और चार मिसाइलों के साथ सुखो थर्टी एम एयरक्राफ्ट आसानी से एक प्रॉपर बॉम्बर नहीं तो कम से कम फाइटर बॉम्बर के जैसे रोल को निभाने में सक्षम होगा वही पे अगर सुखो के प्रॉपर पेलोड को देखा जाए तो ये एयरक्राफ्ट आठ किलोग्राम के पेलोड को कैरी कर सकता है ये दोस्तों काफी भारी भर पेलोड है और इस पेलोड में कई तरीके के अलग अलग मिसाइल और बॉम्ब को कैरी करने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास है फिलहाल दोस्तों ये पेलोड को कैरी करने के लिए एयरक्राफ्ट में टोटल हार्ड पॉइंट है लेकिन इन बारह हार्ट पॉइंट को दो मल्टीपुल इजेक्शन रैक के सहारे चौदह हार्ट पॉइंट तक किया जा सकता है ये बारह हार्ट पॉइंट असल में एयरक्राफ्टो के दो हार्ट पॉइंट विंग टिप में छह अंडर विंग दो इंजिन के नीचे मतलब सेक्शन में तो पे दो उठ पॉइंट दोनों इंजिनों के बीच वाले सेक्शन में है दोस्तों इन हार्ट पॉइंटो के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये रॉकेट एयर टू एयर मिसाइल एयर टू सरफेस मिसाइल एंटी शिप मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल और कई तरीके के रशियन और स्वदेशी बॉम्ब को कैरी कर सकता है मतलब दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये लगभग सभी तरीके के हथियारों को कैरी कर सकता है जिस कारण इन एयरक्राफ्टों को मल्टीरोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है जबकि फाइटर बॉम्बर होने के लिए मल्टीरोल एयरक्राफ्टों में एटलीस्ट एयर टू तो एयर मिसाइल अपने प्रोटेक्शन के लिए और दुश्मन के ऊपर बार करने के लिए भारी भरकम पेलोड को कैरी करने का क्षमता होना चाहिए और फिलहाल दोनों ही क्षमता सुखोई थर्टी एम के पास है दोस्तों एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी किए के जाने वाले बॉम्ब को अगर देखा जाए तो रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है की ये जो एयरक्राफ्ट है ये अपने पेलोड में आठ के एवी फाइव हंड्रेड एल लेजर गाइडेड बॉम्ब मतलब पांच किलोग्राम के लेजर गाइडेड बॉम्ब या फिर कह तो तीन एवी वन फाइव डबल जीरो एल लेजर गाइडेड बॉम्ब मतलब डेढ़ हजार किलोग्राम के बॉम्ब या भारत द्वारा बनाया हुआ तीन सुदर्शन बॉम्ब जो की साढ़े चार सौ किलोग्राम के बॉम्ब है उसे कैरी कर सकता है इसके अलावा छोटे आकार के बॉम्ब को अगर देखा जाए तो ये आठ एफ एवी फाइव टी बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है जो की पांच सौ किलोग्राम का है इसके अलावा चौबीस ओ एफ एवी टू फिफ्टी टू सेवेंटी बॉम्ब को यह कैरी कर सकता है या फिर कहे तो बत्तीस ओ एफ एवी वन हंड्रेड या वन ट्वेंटी बॉम्ब को ये कैरी कर सकता है और दोस्तों ये दोनों बॉम्ब को ये अगर देखा जाए तो ये ढाई सौ से दो सौ सत्तर किलोग्राम या फिर तो एक सौ से एक किलोग्राम का है सुखो थर्टी एम स्पाइस सीरीज के बॉम्ब को भी कैरी कर सकता है और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये आठ के एवी क्लस्टर बॉम्ब या बीस डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को या तीन डीआरडीओ के ग्लाइड बॉम्ब को कैरी कर सकता है तो दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि इन एयरक्राफ्टों के पास बड़े ठिकानों को तबाह करने के लिए बड़े बॉम्ब को कैरी करने का जहां पे क्षमता है तो वहीं पे कार्पेट बॉम्बिंग के लिए ये बड़े मात्रा में छोटे बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है कुल मिला के बॉम्बिंग के लिए इन एयरक्राफ्टों के पास फिलहाल इतना क्षमता है की ये एक फाइटर बॉम्बर के जैसे बॉम्ब को कैरी कर सके वही पे अगर इसमें ब्रह्मोस मिसाइलों को लगाया जाता है तो ये लॉन्ग रेंज के स्ट्राइक मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होगा जिस तरीके का क्षमता सुखोई थर्टी जैसे एयरक्राफ्टो के पास है अब दोस्तों फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्टों में इन एयरक्राफ्टो को कन्वर्ट करने के लिए और एक क्षमता होना आवश्यक है जो की जमीन के ठिकानों को आइडेंटिफाई करना और बॉम्ब को संपूर्ण एक के साथ उन ठिकानों को तबाह करने के लिए दागना रिपोर्ट के मुताबिक सुखोई थर्टी एम के में लाइटनिंग टारगेटिंग पॉट का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रिजन गाइडेड म्यूनोशनों को 100% परसेंट एक्सी के साथ जमीनी टारगेटों को निशाना बनाने में मदद करता है इसके अलावा इसमें पॉर्ट के रूप में ई एल एम टू जीरो सिक्स टू पी एयरबोर्न सिंथेटिक एम्पोरेचर राइडर रिकेनेशन पॉर्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो जमीनी टारगेटों को ढूंढने में और उसे आइडेंटिफाई करने में मदद करता है एयरक्राफ्ट में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से अपने आप को बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉट भी है और दुश्मन के मिसाइलों से अपने आप को बचाने के लिए चैफ और फ्लेयर भी पोर्ट है हालांकि इसके अलावा देखा जाए तो एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्टों में बार्ड्स पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे राइडर का इस्तेमाल किया गया है जो एक तरीके के लंबे दूर का तो है लेकिन ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एयर राइर के जैसे इतने ताकतवर या फिर तो इतने आधुनिक नहीं है एयरक्राफ्ट में जैमर राइडर वार्निंग रिसीवर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे आधुनिक का भी इस्तेमाल किया गया है लेकिन बताया जा रहा है है के जो प्रोजेक्ट जैसे कि सुपर सुखोई प्रोजेक्ट बताया जा रहा है उसमें एयरक्राफ्ट में इन क्षमताओं को और बढ़ाया जाएगा कुल मिला दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के इंटीग्रेशन के साथ जो सुखोथर्टी एम के एयरक्राफ्ट है यह लगभग उन सभी रोलो को अंजाम दे सकता है जो एक फाइटर बॉम्बर के द्वारा दिया जाना संभव है जबकि ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सटेंडेड रेंज आने के बाद इन एयरक्राफ्टो के संपूर्ण भूमिका ही बदल जाएगा और एक तरीके से कहा जाए तो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल सुको थर्टी एम एयरक्राफ्ट आई को एक गेम चेंजर एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्टो में परिवर्तित कर सकेगा क्योंकि इससे ब्रह्मोस और सुको थर्टी एम एयरक्राफ्ट टो के जो कॉम्बिनेशन है जो फिलहाल चार किलोमीटर के रेंज में काम कर रहा है वो बढ़ के किलोमीटर के रेंज तक काम कर सकेगा और एक तरीके से कहे तो भारी भरकम पेलोड और ब्रह्मोस मिसाइल के भारी भरकम क्षमता होने के कारण ये जो एयरक्राफ्ट और मिसाइल के कॉम्बिनेशन है ये समुद्र के अंदर लंबे दूरी तक जाके दुश्मन के बड़े जहाज जैसे कि बड़े क्रूजर डिस्ट्रॉयर या एयरक्राफ्ट कैरियर को तक दबा कर सकेगा दोस्तों एक्जैक्टली अगर देखा जाए तो मॉडर्न जमाने में अब फाइटर बॉम्बर या फिर कहे तो मीडियम या लाइट बॉम्बर की भूमिका लगभग खत्म हो चुका है जब से बड़े आकार के भारी पेलोड लेने वाले मल्टी रोल एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट हुआ है लेकिन अभी भी हैवी और टेक्टिकल बॉम्बरों की आवश्यकता बचा हुआ है लेकिन भारत के लिए जो खतरा भारत के आस पड़ोस में है उसके लिए तो एटलीस्ट भारत को फिलहाल इस तरीके के बॉम्बर के उतने अधिक आवश्यकता नहीं है लेकिन माना जा रहा है की एक ताकतवर मिलिट्री अपने आप को बनाने के लिए शायद भारत आने वाले समय में अपने बेड़े में बॉम्बर प्टो को भी शामिल करे दोस्तों तो था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद